क्रिप्टो करेंसी क्या है? आखिर क्यों इतना वैल्यूएबल माना जाता है आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी को? क्या फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी करेंसी नोट्स की जगह ले लेगा? आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी के बीच में फर्क क्या है और क्रिप्टो करेंसी को बनाने का मकसद क्या है। पहले के टाइम में जो लोग ट्रेड करते थे, यानी कुछ खरीदना होता था तो वो चावल या अनाज वगैरह का इस्तेमाल करते थे। यानी अगर आपको कपड़े लेने हैं, नाई से बाल बनवाने हैं या किसी को घर के काम पे रखना है तो आप उसके बदले अनाज वगैरह देंगे, तभी आपको वो चीज़ या वो सर्विस मिलती या कोई काम करके देता है। लेकिन अनाज के केस में ये था कि वो ज़्यादा दिन पड़े रह रहे के ख़राब हो जाता था, उससे आप सेफ नहीं कर सकते थे। फिर ज़माना बदला, लोगों ने रियलाइज़ किया कि कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़्यादा देर तक सेफ रहे और ख़राब भी ना हो। फिर लोगों ने सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करना शुरू किया, काफी सारे कॉइन्स निकाले गए तब के दौर के बादशाहों की तरफ से। लेकिन गोल्ड के ट्रेड में भी एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि गोल्ड वजनी बहुत था, उसे कैरी करना बहुत मुश्किल होता था और स्नैचिंग का डर अलग होता था। तो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा हो जिसे कैरी करना भी आसान हो और स्नैचिंग का डर भी ना हो और ज्यादा लंबे टाइम तक खराब भी ना हो। तो 7th सेंचुरी में पहली बार पेपर मनी का इस्तेमाल किया गया ट्रेड के लिए। गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि आप अपना गोल्ड हमें दे दें और उसके बदले हम आपको एक पेपर या वो बिल देंगे जिस पे गवर्नमेंट की स्टैंप होगी। यानी गवर्नमेंट जमानत देगी कि उस पेपर से आप ट्रेड कर सकते हैं उस वैल्यू के हिसाब से जो उस नोट पे प्रिंट है। यानी अगर 500 का नोट है तो आप 500 तक की वैल्यू की कोई चीज़ या कोई सर्विस ले सकते हैं। और आज के टाइम में सभी कंट्रीज में पेपर मनी इस्तेमाल होती है, सब कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज हैं। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी एक ऐसा तरीका जहां हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल नोट या कॉइन की जरूरत के। और डिजिटल करेंसी को आप अपनी फिजिकल करेंसी की तरह हाथ में नहीं ले सकते, बस आपको आपके डिजिटल वॉलेट यानी उसके लिए जो ऐप बनाई गई होगी उसमें नंबर्स की शक्ल में नजर आएगी। डिजिटल करेंसी की मिसाल आप बिटकॉइन से ले लें। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है जो एक ऑनलाइन लेजर जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं उसमें रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन का इन्वेंशन होता है साल 2009 में। सतोशी नाकामोतो नामी एक शख्स ने इस बिटकॉइन को बनाया एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर। उस टाइम में जो भी करेंसी होती थी वो गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रलाइज्ड की जाती थी, चाहे वो फिजिकल करेंसी हो या बैंक ट्रांजैक्शन। वो चाहता था कि एक ऐसी करेंसी हो जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसे किसी की तरफ से कंट्रोल ना किया जाता हो। आज के दौर में बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल जैसी करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी में क्या फर्क है और क्या फायदे और नुकसान हैं इन दोनों के? क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी किस में इन्वेस्ट करें, इसको समझने के लिए हमें 5 कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। नंबर 1, मनी वर्सेस करेंसी। अगर आप समझते हैं कि आपकी पॉकेट में जो 5,000 का नोट है वो मनी है तो आप गलत हैं। सोचे आज अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि हम 5,000 के नोट अब बंद कर रहे हैं, अब ये मार्केट में मजीद नहीं चलेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन मनी के केस में एक डिफरेंस है, उसे कोई डीवैल्यूड नहीं कर सकता। उसकी वजह है क्योंकि मनी के पास अपनी वैल्यू होती है, लेकिन करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे वैल्यू देती है गवर्नमेंट। जब भी आप कोई नोट देखेंगे तो उस नोट पे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। वो सिग्नेचर इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि ये नोट हमारी तरफ से जारी किया गया है और जो अमाउंट इस पे लिखा हुआ है उस अमाउंट के बदले आपको उतनी वैल्यू या कोई चीज़ मिलेगी। इसकी मिसाल यूँ ले लें, आपके घर में एक गोल्ड की चीज़ है जिसे आप जब चाहें किसी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे वैल्यू नहीं दी, बल्कि उसकी अपनी एक वैल्यू है। इसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इस कंट्री का गोल्ड है तो इस कंट्री में नहीं चल सकता। इसके अलावा करेंसी के साथ एक अलग मसला है, अगर आप पाकिस्तान की करेंसी कहीं बाहर लेके जाओ तो उस मुल्क में आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते जब तक आप उन पाकिस्तानी रुपयों को उस मुल्क की मकामी करेंसी में तब्दील ना करवा लें। लेकिन डिजिटल करेंसी एक गोल्ड की तरह है, वो हर मुल्क में चलेगी, उसके लिए आपको एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेंसी जितनी चाहे छापी जा सकती है लेकिन मनी नहीं। खैर, बना तो करेंसी नोट भी नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट तो छाप सकती है करेंसी नोट, लेकिन गोल्ड कॉइन्स गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, माइनिंग करनी पड़ेगी, जब जाके गोल्ड प्रोड्यूस होगा, और गोल्ड के रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं।
सीधे अल्फाज में कहें तो करेंसी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं। मनी पे किसी का कंट्रोल नहीं होता और डिजिटल करेंसी एक मनी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि गोल्ड तो माइन किया जाता है, लेकिन ये बिटकॉइंस कहाँ से आते हैं? बिटकॉइंस भी माइन किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइंस को बनाया तो उसने शुरू में सिर्फ 10,000 बिटकॉइंस ही लॉन्च किए और टोटल में 20 मिलियन बिटकॉइंस ही बनाए। अब उसने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन ऐसे किया कि वो 10,000 बिटकॉइंस लॉन्च किए थे उनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन करता तो उस ट्रांजेक्शन करने वाले शख्स को कुछ बिटकॉइंस रिवार्ड के तौर पर मिलते थे। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आप किसी बैंक की एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन करते हैं तो बाज़ औक़ात बैंक आपको ऑफर दे रहा होता है कि आप हमारी एप्लीकेशन से यूटिलिटी बिल्स पे करेंगे तो आपको इतने कैशबैक मिलेंगे। अब बिटकॉइन भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, लेकिन उस रिवार्ड को नाम दिया गया माइनिंग का। यूँ बिटकॉइंस भी माइन होने लगे गोल्ड की तरह। कहा जाता है 20 मिलियन में से 92% बिटकॉइंस माइन किए जा चुके हैं। अब बिटकॉइन लिमिटेड है तो इनकी वैल्यू भी ज्यादा है। नंबर दो पे आता है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब आप जो करेंसी यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी 100 का नोट या 500 का नोट वगैरह, वो गवर्नमेंट जितने चाहे छाप सकती है यानी प्रिंट कर सकती है। आज के दौर में जो महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है उसकी सबसे बड़ी वजह ज्यादा नोट प्रिंट कर देना है। करेंसी नोटों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, वो जब चाहे नोट प्रिंट कर ले, जब चाहे बैंड कर दे, इसीलिए ये सेंट्रलाइज कहलाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं करती। इसकी मिसाल बिटकॉइन से ले लें। गवर्नमेंट जितने चाहे करेंसी नोट्स को छाप सकती है, लेकिन बिटकॉइन नहीं बना या छाप सकती। वो इसलिए क्योंकि उसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड सप्लाई होती है। क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है तो उसकी अपनी एक वैल्यू है, जैसे गोल्ड की होती है। तो आने वाले टाइम में सबका मानना है कि इनकी वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी इनके रेट्स बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगी इनकी, क्योंकि इन्हें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे फर्क क्या है इनमें, एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। एक बार चाइना ने अपनी करेंसी को ही गिरा दिया, यानी डीवैल्यू कर दिया। अब अपनी करेंसी को गिरा दिया तो आपको लग रहा होगा कि इन्होंने अपने साथ गलत किया होगा, लेकिन जो फिजिकल करेंसीज होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो हुआ यह कि उन्होंने गिराया अपनी करेंसी को और इफेक्ट पड़ा US की स्टॉक मार्केट पर। क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर देती है, यानी गिरा देती है, तो पूरे वर्ल्ड को इससे खतरा हो सकता है। इस सब को रोकने के लिए इजाद हुआ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का, यानी जिसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना करती हो। आप जानते हैं जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ? जिम्बाब्वे में जब गरीबी बहुत बढ़ गई थी तो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना गरीबी को खत्म करने के लिए ज्यादा नोट छाप दिए जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। इवन उन्होंने 100 ट्रिलियन तक के नोट छाप दिए। उससे हुआ यह कि उनकी करेंसी की वैल्यू कौड़ियों के दाम की हो गई और इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी इतने पैसे ले जाने पड़ते, और फाइनली उन्हें अपनी करेंसी बंद करना पड़ी। दोस्तों जिम्बाब्वे के अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने ही मुल्क की इकोनॉमी डुबो दी नोट प्रिंट करते करते। अब समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, जो है फैट करेंसी, नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स। फैट मतलब जो हम रुपए यूज करते हैं, जो डॉलर यूज करते हैं, या जो दरम यूज किए जाते हैं, वो फैट करेंसी कहलाते हैं। आज से कुछ साल पहले कोई भी कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती थी जितने के उनके पास रिजर्व में एसेट्स हैं, यानी गोल्ड है रिजर्व में उनके पास। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं है। आज के टाइम कोई भी कंट्री जितने चाहे नोट छाप सकती है। फैट करेंसी एक ऐसी करेंसी जिसके बैग पे कोई एसेट्स नहीं है या कोई गोल्ड नहीं है रिजर्व में। बस यूं कह लें, जब तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कोई नोट तो वो चलेगा, अगर गवर्नमेंट बंद कर दे तो वो नोट कुछ भी नहीं है। अब चौथा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है फिजिकल करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी। आज से चंद साल पहले लोगों को डिजिटल करेंसी पे भरोसा नहीं होता था, यानी इजी पैसा, जैज कैश, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स को लोग फेक मानते थे। लोगों की नज़र में डिजिटल करेंसी सिर्फ बैंक में होती है, वो भी जो उनकी स्टेटमेंट में शो हो रही हो। लोग ये समझते थे कि अगर ये लोग पैसा लेके भाग गए तो। उस टाइम में लोगों को भरोसा होता था फिजिकल करेंसी पे, यानी नोट होने चाहिए। अब इस बात को एक मिसाल से जानते हैं दोस्तों। एक अंकल थे, उन्होंने अपने इलाज के लिए 2 लाख रुपए जमा किए काफ़ी मेहनत करके, और उन पैसों को वो एक अलमारी यानी लॉकर में जमा करते थे। अब हुआ ये कि एक दिन उनकी अलमारी में चूहा घुसाया और उस चूहे ने उन सारे नोटों को कोतर दिया, जिससे कि सारे नोट खराब हो गए। तो आप सोच सकते हैं उन अंकल पे क्या बीती होगी। सोचे अगर यहाँ पर डिजिटल करेंसी होती तो क्या कोई चूहा कोतर सकता था, या चोरी की जा सकती थी, या कोई आपसे छीन सकता था? अगर मोबाइल भी छीन जाए तो डिजिटल करेंसी में इंसान दूसरे मोबाइल फोन या कंप्यूटर में अपना अकाउंट लॉगिन करके वो पैसे दोबारा विड्रॉ कर सकता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ कॉन्सेप्ट की, जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक चीज है जिसे लेजर कहा जाता है, यानी किसी भी चीज का खाता मेंटेन करना या अकाउंटेबिलिटी।
बैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसी के बेस पे होता है, यानी बैंक से जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो लोग आपका खाता मेंटेन कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं अगर खाते में एक भी नंबर आगे पीछे हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे बहुत से किस्से मिलते हैं माजी में जिसमें बैंक्स के सिस्टम फेलियर्स की वजह से बहुत से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में हर किसी यूजर के पास अपना एक कंप्यूटर होता है और वो खुद देख रहा होता है अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह को। इसमें कोई भी किसी ट्रांजेक्शन को गलती से भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यानी इधर से उधर नहीं कर सकता। ये सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली वर्क करता है। इसमें यूजर्स को तमाम तरह डिटेल्स दी जाती हैं सिवाय आपकी पर्सनल डिटेल्स के अलावा। अब फ्यूचर में बिटकॉइन रहे या ना रहे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जरूर रहेगी। और ये भी मुमकिन है कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का ही होल्ड हो। उम्मीद है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्या बेहतर है आपके लिए। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के टॉपिक पे मजीद वीडियोस लाते रहेंगे। और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस को आप मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।